का हमारा विषय है समान अर्थ वाले शब्द, जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा होता है वे समान अर्थ वाले शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए ये चित्र, इसे सूरज भी कहते हैं और सूर्य भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इसे दीपक भी कहते हैं और दिया भी कहते हैं। इसी प्रकार इस चित्र को देखिए, ये क्या बने हुए हैं, पहाड़ गिरी, इसे पर्वत भी कहते हैं, पर्वत भी कहते हैं और पहाड़ भी कहते हैं। ठीक ये क्या है, चंदा, इसे चांद भी कहते हैं, चंदा भी कहते हैं और चंद्रमा भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये क्या है, बादल से वर्षा हो रही है, इसे वर्षा भी कहेंगे और बारिश भी कहेंगे। ठीक उसी प्रकार बच्चों, जैसे कि आप मम्मी को माँ भी कहते हैं, कोई माता जी कहता है ना, लेकिन उसका मतलब तो ऐसा ही होता है, वही होता है ना। ठीक इसी प्रकार पिताजी को कोई पापा भी कहता है, मॉम ने बच्चे अब्बा भी बोलते हैं, मतलब तो एक ही होता है ना, उसका अर्थ तो एक ही है ना। इन्हीं शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहना, यही शब्द समान अर्थ वाले शब्द।